स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करते हैं एक रिपीट रिविजन की तरह, राजस्थान के संदर्भ में देखें, जलवायु को लेकर बात करते हैं, थोनवेड का वर्गीकरण देखते हैं। इससे एक प्रश्न आता है, कोपेन या थोनवेड दोनों में से एक पूछा जाता है, तो बात करते हैं थोनवेड की। थोनवेड ने जो है वर्षा को आधार बनाया, तापमान व निवास उत्सर्जन को और वनस्पति को आधार बनाया, इसके आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। भारत के संदर्भ में अलग है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें चार टाइप से है। EAD की बात करें, ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु प्रदेश है। इसका प्रतिनिधित्व जिला है जैसलमेर। फिर DWD है मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व बीकानेर। DAW उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसका जो प्रतिनिधित्व जिला है वो अजमेर। और CAW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधित्व डूंगरपुर करता है। तो इस प्रकार से मैप में देखें, ये आपके इस साइड हो जाएगा, EAD हो जाएगा जैसलमेर प्रतिनिधित्व, ऊपर की साइड DBW बीकानेर प्रतिनिधित्व, ये बीच का हिस्सा जो है DAW अजमेर प्रतिनिधित्व करेगा। और नीचे की साइड देखें, दक्षिण की साइड, तो CAW इसका प्रतिनिधित्व जो जिला है वो कौन सा, डूंगरपुर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।